और अब जुलाई का तूफानी अटैक कैसे जारी है वो दिखाते हैं। आधे हिंदुस्तान पर जुलाई में मानसून के हुए तूफानी अटैक से हाहाकार समचा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं बची जहां मानसून ने मनमानी ना की हो, बारिश ने बला ना बरसाई हो। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक बह रहे सैलाब ने लोगों की सांसें अटका दी है। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है और सबसे बुरा हाल है देवभूमि उत्तराखंड का, जहां की तस्वीरें न सिर्फ हाहाकारी हैं बल्कि सतर्क कर रही हैं कि पहाड़ों पर जान जोखिम में है। देखिए, बारिश की चपेट में आ चुका है आधा देश। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही। आधे हिंदुस्तान को बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर जकड़ रखा है, ये तमाम तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही। शहर शहर संकट का सैलाब बह रहा, सड़कों पर मानो खुद समंदर उतर आया। गांव गांव में मानो नदियां भ्रमण पर आईं, गांव की गलियां तालाब में तब्दील हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का ही राज है। जमीन का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। नदी की धारा इतनी प्रवाह से बह रही है कि किनारे बने घर तक को चंद सेकंड में खुद में समा लिया। पलक झपकते ही दुकानें सैलाब के आगोश में बह गई। कहीं गरजती उफनती लहरों के बीच बाइक फंस गई तो कहीं इंसान। भारी बारिश के बाद बाढ़ और बाढ़ के साथ आई बर्बादी और तबाही का ये मंजर इन दिनों हिंदुस्तान में आम है। इन दिनों गुजरात से महाराष्ट्र, बिहार से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। राज्यों के तमाम जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बाढ़ का खौफनाक मंजर ना हो। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, तबाही के साथ पत्थर बरस रहे हैं, तो वहीं मैदान पर बाढ़ की दहाड़ ने जीना दुश्वार किया हुआ है। हर तरफ मानो सैलाब का सितम है। गांव गांव, शहर शहर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ
बाढ़ का कहर है। पर ये कोई एक या दो दिन की कहानी नहीं, बल्कि हर मानसून में कुछ ऐसी ही तस्वीर है। बादल मनमानी करते हैं और फिर आफत तूफानी आ जाती। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं, बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मानसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से परस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, जहां तबाही की तस्वीरें रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें टिहरी जिले के तिनघर गांव की है, जहां लैंडस्लाइड हुआ। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव इस आफत के आगोश में समा गया, एक भी घर नहीं बचा। पहाड़ों पर ये तस्वीरें आम है। इन दिनों टिहरी में जगह जगह तबाही मची हुई। जानकारी के अनुसार लैंडस्लाइड में तिनघर गांव के करीब 15 घर मलबे के नीचे दब गए। इन सब के बाद स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास के स्कूल 29 से 31 जुलाई तक बंद कर दिए। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहां कई जगह लैंडस्लाइड और बारिश का पानी जमा होने से जीवन अस्त व्यस्त है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में एक चट्टान भरभरा कर टूट गई। केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच अचानक से एक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि चट्टान गिरते समय कोई भी यात्री सड़क पर आवाजाही नहीं कर रहा था। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने सोनप्रयाग में पहले से ही यात्रियों को रोक दिया था। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर हेलगुगाड़ सुनगर के बीच सड़क पर भी पत्थर गिर गए। ये जोन खतरे का डेंजर जोन बना हुआ है। यहां इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। खतरे को देखते हुए पुलिस ने दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दिया है। उत्तरकाशी गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया। देखिए किस रफ्तार से सैलाब बह रहा है। पानी की रफ्तार ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त गंगोत्री धाम में क्या हालात हैं। देखिए किस तरह से बीच दुकान से पानी बह रहा है। ये दिखाने और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पहाड़ों पर किस कदर हाहाकार मचा है। वो तो समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से धाम के स्नान घाट जलमग्न हो गया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात हैं, जो कांवड़ियों को जल भरते हुए सचेत कर रहे हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही। गढ़वाल में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। गंगोत्री में भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के कारण भागीरथी नदी रौद्र रूप में दिख रही है। भारी बारिश और भागीरथी नदी के खतरे से ऊपर बहने की वजह से गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं को नदी में नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस नदी के आसपास रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। मेरा आगे भी जो सुन रहे हैं, आप सभी दोनों से निवेदन है, आप सभी श्री भक्तों से निवेदन है, वहां जारी कर दें। तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम में पानी भरने की सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ जवानों द्वारा आश्रम के पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुसकर 10 साधु संतों व मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान गंगोत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचाया। गंगोत्री में भागीरथी नदी का उफान घाटों के ऊपर तक पहुंच रहा है। गंगोत्री में आरती स्थल से भागीरथी शिला तक भागीरथी का जल स्तर पहुंच गया। तीर्थ पुरोहितों ने दान पत्र और अन्य सामान हटा दिया। कुदरत किस कदर तबाही मचा सकती, इसकी सबसे बड़ी गवाही ये तस्वीरें दे रही।
पहाड़ी नालों में मलबों का ऐसा तूफान आया है कि वो मानो सब कुछ छपने में समाने को आतो है। मलबों के सैलाब से ऐसा कोहरा मचा है कि पूरे इलाके में खौफ का आलम है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले में बालगंगा के तोली गांव की है। बूढ़ा केदार के नजदीक बालगंगा नदी तट पर बनी तीन दुकानें देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ठहर गई। लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई। बादल फटने से ही हाहाकारी सैलाब आया है। पहाड़ पर हर तरफ गरजती लहरों की गूंज सुनाई दे रही। रिहायशी बस्ती के पास बादल फटने से कई घर इसके जद में आ गए। प्रदेश में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश में नदियां उफान पर आ गई। टिहरी में बालगंगा का जल स्तर बढ़ने से लोग खौफ जदा हैं। टिहरी में बीते दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से बालगंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। उत्तराखंड में टिहरी की ये तस्वीरें जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही, और ये तीन तस्वीरें टिहरी जिले की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे दुकान खड़ी थी, लेकिन नीचे से ऐसा जल प्रवाह आता है कि दुकानें देखते ही देखते ढह जाती हैं। वहीं से जल प्रवाह हमें सड़कें तक बह जाती है। और तस्वीर में जो खंडहर आप देख रहे हैं वो एक स्कूल है जिसके भीतर सैलाब का मलबा पहुंच गया। भारी बारिश ने घनसाली के तौली गांव में जमकर कहर बरपाया, जहां एक घर पर मलबा गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही की वजह से बालगंगा इतनी रफ्तार से बह रही है कि मानो उसके सामने जो कुछ आएगा वो उसे अपने साथ बहा ले जाएगा। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में तोली तिंगड़ जोखाना के ग्रामीणों की कई एकड़ कृषि भूमि आपदा की चपेट में आ गई। उत्तराखंड में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री उस समय बाल बाल बच गए जब सोनप्रयाग पार्किंग के ऊपर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा। गनीमत रही कि प्रशासन ने एहतियातन लोगों को वहां से पहले ही हटा दिया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग के पास शटल पार्किंग के ऊपर करीब 11 बजे चट्टान टूटने का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी के ऊपर से चट्टान टूटने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पत्थरों की बारिश हो रही, जिसके बाद पहाड़ों से चट्टान टूटकर मलबा रास्ते पर आ गया। इस घटना के बाद कुछ देर तक केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित रहा, जिसे कुछ घंटे में ही खोल दिया। रुद्रप्रयाग जिले में ही केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी के पास हुआ भारी भूस्खलन एक और वीडियो सामने आया। इसका देखिए तस्वीरों में कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा पेड़ सहित सड़क पर आ गिरा। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन मौके पर मौजूद था, जिसकी वजह से आवाजाही को पहले ही रोक दिया गया था। लेकिन भूस्खलन के बाद हाईवे पर मलबा और बड़े बड़े पेड़ आ गिरे, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। केदारनाथ हाईवे पर लगातार तेज बारिश हो रही। कल रात हुई भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग के पास शटल सेवा पुल सोन नदी के तेज बहाव में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रा सड़क पर वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हुआ। केदारनाथ यात्रा वाले हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों और भूस्खलन वाले स्थानों पर जिला प्रशासन NH पुलिस SDRF के जवान ब्यूरो रिपोर्ट News 24।
तो पहाड़ों पर आतंक मचा है तो मैदानों पर भी सैलाब की आफत कम नहीं हुई। हर तरफ से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मानो बारिश अब बाढ़ के रूप में सैलाब का सितम ढाने लगी है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं बैलगाड़ी समेत बैल और किसान। कहने को तो जुलाई खत्म होने वाली है लेकिन इसकी तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। देखिए एक बार फिर मॉनसून आया, एक बार फिर अपने साथ तबाही लाया। गुजरात राजस्थान से महाराष्ट्र तक बाढ़ का कहर है। यूपी बिहार मध्य प्रदेश तक के शहरों में जल प्रलय आ गई। क्या इंसान क्या जानवर सब सैलाब का शिकार बन रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की आर्णी तहसील की उमरी कपेश्वर की, जहां खेत से घर आते समय एक किसान अपनी बैलगाड़ी और बैलों के साथ बाढ़ के पानी में पुल से बह गया।